तो यार गाइस आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, पर मेरा वर्ल्ड नहीं। ये मत समझो कि आज हम हमारा वर्ल्ड खेलने वाले हैं, वो मेरे साथ सीन हुआ था मुझे पता है। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट की नई सीरीज़ चालू, यानी कि एक नई सीरीज़ चालू, समझ जाओ आप लोग। तो मैं गाइस शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज़ मेरे भांजे के साथ, यानी कि डुओ मल्टीप्लेयर। तो इस वर्ल्ड का नाम रखने वाले हैं हम लोग बेस्ट डुओ। हाँ, ऐसे कुछ नाम रख देते हम लोग, सर्वाइवल रहेगा, ये सब तो पता है आप लोगों को। हम लोग कोऑर्डिनेट 6 रख देते हैं बस, और कुछ वैसा तो है नहीं। बाकी फिर अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है, क्योंकि हम लोग पूरा करेंगे। विदर को मारेंगे, एंडर ड्रैगन को मारेंगे। वैसे मैं मेरी सिंगल सीरीज़ भी चालू रखूँगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना आप लोग। ये क्या, ये छोड़ो। चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं फटाफट अंदर। और गाइस बाय द वे, मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है मेरी अपनी ज़िंदगी वाले वर्ल्ड में, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। वो सीरीज़ भी अभी जल्दी वापस आने वाली है, लेकिन केव खोदने में बहुत टाइम जाने वाला है, तो मैं गाइस कुछ और करने वाला हूँ अभी। वो केव वापस नहीं खोदने वाला हूँ मैं भाई, बहुत प्रूव हूँ मैं घर का। यस आई एम प्रूव। चलो भाई अभी लोडिंग हो जाए, यार कितना टाइम लग रहा है। और गाइस देखना है अभी हम लोग क्या क्या करते हैं। और हमें कोई अच्छी सी जगह पर स्पॉन करे तो बहुत बड़ी बात है, कोई अच्छी सी सीड मिल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, लोडिंग हो रहा है। चलो लोडिंग, लेट्स गो। ओके, वो ये पानी में है, पानी में जिन लोगों ने मेरे को दिया है। हर जगह पानी है वैसे, यहाँ वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे बिर्च है। अभी हम लोग मुश्ताक को ज्वाइन करने को बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे शुरू। क्या कहते हो आप लोग? चलो तो अभी मैं आप लोगों को मिलता हूँ जब मुश्ताक ज्वाइन करता है। चलो मिलते हैं यार अभी बाद में। मुश्ताक ज्वाइन कर दिया है गाइस गेम, ये रहा मुश्ताक। ओ भाई लगी इसको, भागो भागो। सॉरी आ गया, ये गेम में आ गया। मैंने नहीं मारा, कोई और मारा। अरे 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 रुक जाओ गाइस, इसको एक और एक फटका मारते हैं। भागो भागो भाग 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 भाग। ये सब छोड़ो, पहले हम लोग चलते हैं वुड काटने। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ वुड काटने के बाद। पहले हम लोग शुगर केन भी ले लेते हैं, काम आएगा यार आगे इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए। चलो वुड काटना हम लोग तैयार करते हैं, बेसिक चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कर ली हैं, आप लोग देख सकते हो। स्टोन की पिकैक्स और स्टोन नहीं भी, वुड की पिकैक्स और वुड की एक्स मैंने बनाई थी। अभी मैं जाने वाला हूँ, वो अकीशिया का पेड़ दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, तो हम लोग कैसे वहाँ पे चलते हैं। शुगर केन ले लेते हैं, कैसे ज़्यादा नहीं कलेक्ट करूँगा यार मैं, मेरे को थोड़े से काटने वाटने भी हैं। चलो यार हम लोग फटाफट चलते हैं अकीशिया के वुड काटने के लिए, फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कुछ अच्छा मिलेगा तो मिलते हैं ना आप लोग, क्या डरते हो। तो मैंने सोचा है कि हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग तीन नहीं 6 बुल कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। तो चलो यार अभी इसको ही मारना चालू करते हैं, जम मार के मारते हैं भाई। ये देखो मेरे को आज तक कभी जमा ही नहीं है यार जम मार के मारने वाला। 2 हिट में वैसे मर गया ये, मेरे को लगता है 3 हिट में मरेगा ये, है ना। चलो 1 2 भाई, ये भी 2 हिट में मरा, मेरे को लगता है ना थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज करता है जम मारने वाला। तो गाइस मैं थोड़ी सी अभी वूल कलेक्ट कर लिया हूँ, एंड मुश्ताक को भी कोई चीज़ मिली है तो हम लोग वो देखने अभी जाएंगे। ये क्या है बे, कील जैसा है बे, क्या है ये? आओ देखते हैं हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अबे रुक जा, तोड़ नहीं तोड़ सकता गाइस, मैं मेरे को लगता है। हम लोग देखेंगे बाद में क्या है ये। गाइस ये देखो, यहाँ पे मुश्ताक ने मेरे को बुलाया है, कुछ यही कोऑर्डिनेट्स थे। यहाँ से लेफ्ट ये रहा गाइस, वो रियून पोर्टल है यहाँ पे। मुश्ताक बोला कोई अच्छी सी चीज़ है, चेस्ट भी है। चलो आओ देखते हैं क्या है रियून पोर्टल में। चलो चलो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर धड़ैंग, मैग्मा क्यूब से टकराया है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओ हो, गोल्डन की स्वॉर्ड मैं रख लेता हूँ और गोल्ड मैं रख लेता हूँ। गोल्डन की पिकैक्स इसको दे देता हूँ, फॉर्च्यून वाली है। चलो और ये अच्छी है गाइस, लेकिन उससे पहले लेगिंग्स भी हम लोग रख लेते हैं और शवल भी। चलो इसके ऊपर फायर रिस्पेक्ट भी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, और लूटिंग 2 भी लगी है। हम लोग लेगिंग पहन लेते हैं यार, लेगिंग्स ऐसी कुछ पैंट पहन लेते हैं हम लोग हमारी। और शवल की तो मेरे को लगता है इतना यूज़ नहीं पड़ने वाला। तो गाइस मैं यहाँ पे फिर से वूल इकट्ठा करने आया हूँ, फायर एस्पेक्ट बहुत अच्छी काम कर रहा है, और ये लोग एक हिट में ही मर रहे हैं। मतलब गोल्डन स्वॉर्ड इतनी अच्छी भाई, तबाही है भाई गोल्डन स्वॉर्ड भी, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती वैसे तो। लेकिन चलो अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है। मैं यहाँ पे खाना इकट्ठा कर लेता हूँ, वूल भी मेरे से इकट्ठा हो रही है धड़ाधड़। लो और लूटिंग लगी है तो शायद से ज़्यादा वूल मिलेगी। 6 वूल कलेक्ट हो चुके हैं एंड खाना भी साथ है मेरे पास। खाने की टेंशन तो नहीं है भाई, खूब खाना मिलने वाला है, लेकिन जब ये टूटेंगी तो देखना है। ओके, शार्पनेस 3 और अनब्रेकिंग 3 भी लगी है इसके अंदर, और फायर रिस्पेक्ट 1 भी और लूटिंग 2 भी। चलो अभी खाना कलेक्ट करते हैं हम लोग,
और क्या करना है भाई ज़िंदगी में। और भी हम लोग देखते हैं यार केव वेव में। तो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा केव एक्सप्लोर करने आए थे और हमें देखते हैं क्या मिलने वाला है यहाँ पे। वैसे हमारे पास टॉर्च नहीं है भाई और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है अच्छे से। मैं जा रहा हूँ गाइस वापस। मैं गाइस देख रहा हूँ कि बाहर जैसे देखो कोल लगे हुए रहते हैं, वो मैं ढूंढने जाता हूँ पहले। कोल मिल जाता है यार अच्छा है भाई, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है टॉर्च के बिना। चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं कुछ अच्छा। तो मिस्टक ने टॉर्च बना ली थी इसलिए मैं वापस आया हूँ। और इसने बोला है कि चलो अभी बेड बना के सो जाते हैं, आज का दिन यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वाइट बेड दो बना लिया मैंने, चल ले ले ये एक तेरा और ये वाइट बेड मेरे पास भी है तो ये एक मेरा। चलो हम लोग दोनों सो चुके हैं, अभी अगले दिन हम लोग देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग और केव में और एक्सप्लोर करने आए थे। वैसे ये क्या है बे, है क्या ये, तोड़ देता हूँ इसको। वो अंधेरा हो गया थोड़ा सा, छोड़ो। तो मुश्ताक ओ भाई कोल कोल है कोल है कोल है, ब्लॉक मेरे पास यही है तो मैं ये लगा देता हूँ। ओ भाई कोल का गाइस देखो आप लोग टेक्सचर ऐसा हो गया है आजकल हमारे उसमें अपडेट में। चलो हम लोग तोड़ लेते हैं इसको धड़ाधड़। भाई कोल तो भाई ज़बरदस्त है सही बताऊँ तो, लेकिन पुराना वाला भाई बहुत अच्छी चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड। ऐसा लॉटल है अच्छा, ऐसा लॉटल है गाइस यहाँ पर। मुश्ताक ने मेरे को ये देखने बुलाया था, लेकिन हम लोग इसको टीम कैसे करें वो मैं देखूँगा बाद में। गाइस पहले वाला ही सही था मेरे हिसाब से टेक्सचर कोल का, और कुछ और भी ऐड किया है मेरे हिसाब से। भाई मेरे पास फर्नेंस नहीं है यार, और मेरे पास ना ही कॉबल स्टोन है, शायद कॉबल स्टोन नहीं है मेरे पास, तो 8 लगते हैं शायद फर्नेंस बनाने के लिए। भाई यार बहुत बहुत सारी चीज़ें लग रही है गाइस मेरे को। तो चलो यार हम लोग पहले टॉर्च बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि भाई हम लोग एकदम लिटअप करके चलने वाले हैं भाई। जी क्या कॉपर कॉपर कहाँ है, कहाँ गया वो, अबे वापस ले लिया, कॉपर था वो तो ना, कहाँ है अबे वापस दे, दे दिया ठीक है। ये है रॉ कॉपर, रॉ कॉपर। अभी इसको कॉपर बनाने के लिए मेरे हिसाब से फर्नेंस चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग अभी फर्नेंस की खोज में जाते हैं, मतलब कॉबल स्टोन हम लोग खोदते हैं। तो मुश्ताक को मैं बोल रहा हूँ कि कॉबल स्टोन खोदो और मेरे को दे जरा, फर्नेस बनाना है मेरे को। चलो यार अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए और हम लोग को मिला है आयरन का ओर, और इसे शायद रॉ आयरन कहते हैं क्या पता। गाइज पुराना वाला ही सही था सही बताऊँ तो, हमारे ज़माने में कॉपर का नहीं बे आयरन का ओर हुआ करता था, और इस ज़माने में देखो रॉ आयरन, बाप रे। तो गाइज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अभी फर्नेस बना लिए हैं, थोड़ा सा क्या पूरा बना लिया, और कॉपर का इनगोट अभी बनने वाला है। मुश्ताक का है क्या है बे, आग दिखाता है क्या, दिया देखा है बे, मेरे को लगता है आयरन दिया इसने, रॉ आयरन दू के इसको पटका। छोड़ो यार हम लोग बच्चा है अभी, छोड़ देते हम लोग। टॉर्च लगा रहे गाइस हम लोग दबा दब, और ऊपर क्यों जा रहे हैं हम लोग क्या पता, कुछ खोज के लिए यार। वो ये क्या है, ये क्या है बे, वही वो कील है ना गाइस, ये वही कील है। नहीं भाई ये तो बहुत स्लो, अच्छा पानी में हम लोग बहुत स्लो तोड़ते हैं ना। मिला क्या, मिला मेरे को लगी कैसे भी, ये क्या है, वो यहाँ पे भी एक है, क्या था ये, कहाँ गया ये, पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, बाप रे एक और एक है भाई यहाँ पे, इसे भी हम लोग फटाफट तोड़ लेते हैं भाई। और ये क्या है, ब्लॉक है कोई, ड्रिप स्टोन ब्लॉक, ओ हो कोल भी है भाई बहुत सारे यहाँ पे। तो गाइस हमारा इनगोट बन रहा है कॉपर का, तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग अभी देखते हैं कि कॉपर से क्या क्या बनता है। ये क्या है, लाइटनिंग रॉड, इससे क्या होता है भाई, लाइटनिंग रॉड। और क्या बनता है भाई कॉपर से, ये क्या है, स्पाई ग्लास, अच्छा छोड़ो इसके लिए हमें को अमेथिस्ट शार्ट चाहिए वैसे तो। भाई इससे कोई टूल वूल नहीं बनता कॉपर का, देखना पड़ेगा यार बाद में। तो फिर कॉपर का फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को लगता है लाइटनिंग रॉड और उसका ही है बस, स्पाई ग्लास देखना है, स्पाई ग्लास भी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, देखते हैं हम लोग। और क्या बन रहा है, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ रॉ आयरन, रॉ आयरन का ब्लॉक, कितना गंदा दिखता है अभी। वैसे मैं क्या करने वाला था, मैं चेस्ट बनाने वाला था और मेरे जो जो मेन मेन सामान है उसे मैं अंदर रखने वाला था, जैसे कि आयरन नहीं बे गोल्ड कॉपर ये सब हम लोग अंदर रख देंगे। और हम लोग मिलते हैं यार आगे अभी, है ना, कॉपर वॉपर रख देते हम लोग। चलो तो गाइस यहाँ पे हमें मिल चुका है रेड स्टोन, तो मुश्ताक बोला है कि वहाँ पे जो आयरन इनगोट स्मेल्ट करने के लिए रखा था वो वापस ला लो जाके, फिर हम लोग आयरन की पिकैक्स बनाएंगे और इसे खोदेंगे। तो हमारी गाइस आयरन की पिकैक्स तैयार हो रही है, मैं दो बनाने वाला हूँ, एक मुश्ताक के लिए एक मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों का है सामान, हम जो भी बनाएंगे दो बनाएंगे, आर्मर दो, सब आर्मर दो या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ रही मेन चीज़, जैसे ट्राइडेंट भी हमें दो खोजने पड़ेंगे। आयरन पिकैक्स को दे दिया मैंने,
और गैस मैं क्या करने वाला था, मैं बनाने वाला हूँ तलवार। तलवार बना लूँगा क्या गाइज में, कि गोल्डन की स्वॉर्ड है भाई मेरे पास, तलवार चाहिए मेरे को आयरन की। चलो तलवार भी अभी बना लिए हैं, और कुछ नहीं बनाना है ना, उसके लिए भी एक बना लेते हैं गाइज, और इसको जाके दे के आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके पास इतनी अच्छी स्वॉर्ड नहीं होगी, और वैसे भी उसने आयरन लिया नहीं है अभी तक। तो चलो हम लोग उसको जाके दे के आ जाते हैं। यार कहाँ गया वो मुश्ताक, कहाँ चला गया? इधर होगा, इधर इधर ये रहा। चल भाई चल, इसको मैं आयरन सॉट दे ही देता हूँ यार। चलो फाइनली हम लोग आ चुके बाहर, और हमें यहाँ पे एक डेजर्ट का विलेज दिखाया। और बाय द वे हम लोग ने जो चेस्ट रखी थी फर्नेंस और क्राफ्टिंग टेबल के साथ, वो हम उधर ही छोड़ा है, क्योंकि हम लोग कोई और जगह चले गए थे। एंड आपको तो पता ही हम लोग कितने प्रो लोग हैं, और हम में से कोई वापस जाने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर छोड़ के आ गए। चलो अभी डेजर्ट विलेज में हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। मुश्ताक तो देखो भाई कितनी स्पीड में जा रहा है, लगता है इसको लूटम लाटी करने में बहुत शौक है भाई, जल्दी चल नहीं वरना वो अपना सामान लूट लेगा। आयरन गोलम भी है यहाँ पे, और हे बेल भी है। हे बेल छोड़ो, हम लोग पहले यहाँ पे चेस्ट देख लेते हैं कहाँ पे होगा। यहाँ पे है चेस्ट नहीं है, यहाँ पे वैसे बेड और क्राफ्टिंग टेबल है, नहीं चाहिए मेरे को। और ओह ओ भाई वहाँ पे टावर है भाई, मेरा है वो टावर, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे टावर में एक ना एक चेस्ट तो होती ही है। और मैंने काफ़ी यूट्यूबर के मुँह से सुना है कि उन लोग इसको चीफ का टावर बोलते हैं, यानी हमारे विलेज का जो चीफ होता है उसका टावर। चलो अभी हम लोग चल के देखते हैं। ये रहा गाइस चेस्ट, इसके अंदर है चार ब्रेड, और बाकी तो मैं लेने नहीं वाला डेड बुश और कैक्टस। चलो हम चलते हैं अभी नीचे फटाफट। और यार वैसे यार, और ये विलेज में और कुछ होगा या नहीं, आपको क्या लगता है भाई? मेरे को यार उतरने ही नहीं आ रहा है यहाँ से, क्या करूँ मैं, ज़िंदगी ख़राब चल रही है आज। हेलो कौन ना फार्मर यार, अभी हम लोग को अभी कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ ढूंढना भी है गाइस हम लोगों को, और शायद इस विलेज में चेस्ट। एक मिनट, वो क्या है अभी? सैंड टेम्पल, सैंड टेम्पल में कोई ना कोई चीज़ तो मिलेगी भाई। चलो हम लोग चलते हैं, चल 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 भैया। सैंड टेम्पल में हमें क्या मिलेगा? इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, गोंडल गोंडल नहीं, गोल्डन एप्पल, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, या फिर नॉर्मल वाला मिल गया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग चलते हैं फटाफट। चल भाई मुश्ताक को भी मैं बुलाया हूँ, मुश्ताक भी बुलाया है, हाँ मैं आता हूँ। चलो फिर हम लोग यहाँ पे मुश्ताक का इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे एंट्रेंस कहाँ है? यहाँ पे है। चलो यहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं थोड़ी देर। गैस मुश्ताक को सैंड टेम्पल ही नहीं मिल रहा, और मेरे से सबर नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। वैसे भी गैस हम दोनों का है वो, तो मैं गैस अकेला थोड़ी ना खाऊंगा वो जो सामान है। वैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टॉर्च, क्योंकि यहाँ पे कोई जोम्बी वोम्बी ना हो, वरना फिर मेरी आपको पता है खटिया खड़ी हो जाएंगी प्रेशर प्लेट। ओ बच गया, बच गया बे, मजाक है क्या? चलो आओ एक एक करके हम चेक करते हैं। डायमंड, यस यस, डायमंड गोल्डन एप्पल और डायमंड हॉर्स आर्मर, भाई तबाही मच गई यार, तबाही च मच गई। और हम लोग बोन भी ले ही लेते हैं शायद, चलो ले ही लेते हैं, प्रेशर प्लेट रख देते हैं, और कुछ लेने लायक है नहीं। फिर ये क्या है, यहाँ पे भी बोन है, सैडल मिल गई, चलो सॉरी सैडल मिल गई, आयरन हॉर्स आर्मर ये भी ले लेते हैं हम लोग, और कुछ लेने के लायक नहीं है। गोल्डन एप्पल एक और एक मिल गया गाइस मेरे को, और बोन हम लोग ले लेते हैं बोन मील के लिए, आपको तो पता ही है ना बोन मील की ज़रूरत। वो बुक सिल्क टच और मल्टी शॉट, देखते हैं हम लोग आगे काम आएगी। इन आयरन इनगॉट ले लेते हैं हम लोग, बोन ले लेते हैं, और सिल्क टच की बुक ले लेते हैं। वैसे क्या छोड़ू, ये छोड़ देता हूँ, और ये तो लूट चुका हूँ। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि गन पाउडर वन पाउडर भी ले लूँ क्या मैं? स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, और बोन भी ले लेते हैं, मैंने लिया नहीं था शायद से। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि गन पाउडर जैसी चीज़ें भी ले ही लेनी चाहिए हमें, लेकिन यार करूँगा क्या मैं? चलो हम लोग चल ही लेते, छोड़ो सोच रहा हूँ मैं, लेकिन अभी चल ही लेते क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यार। चलो हम लोग ये दाल दाल के ऊपर जाते हैं, फिर अब मैं देखता हूँ क्या करना है हम लोगों को आगे। तो गाइस अभी मैं बाहर निकला था, अभी मैं मुश्ताक को सामान दे देता हूँ, जैसे कि गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल उठा भी, उठा, चलो वो उठाएगा जब तक हम लोग कुछ और दे देते हैं इससे, जैसे कि बोन हम लोग उसको थोड़ी सी दे देते हैं, जैसे कि 16। ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई? अरे बोन ले ले बोन, हाँ बोन ले बोन, चलो बोन तो उसने देखा। वैसे हम लोग गए जिसको हॉर्स आर्मर में से आयरन का दे देते हैं, हम लोग गोल्डन डायमंड लेंगे, आपको तो पता ही है हम लोग पूरे इंसान है भाई। चलो अभी हम लोग और कुछ भी देखते हैं गाइस क्या करना है हमको। तो गाइस ये देखो मुश्ताक भाई यहाँ पे आयरन गोलम को मारने की तैयारी कर रहे हैं,
मार आयरन गोलम को, आयरन गोलम इसको मार, मैं मारूँ क्या आयरन गोलम को, मेरे को ना मार दे। चलो गाइस हम लोग फिर कुछ देखते हैं, अभी कोई जॉम्बी वॉम्बी नहीं आ रहा यार, और दो ऊपर चला गया भाई, तो भाई इतने ऊपर से लगेगा ही नहीं आयरन गोलम को। आयरन गोलम को क्या हो गया भाई, आयरन गोलम का एक स्टैचू हो गया भाई, तो आयरन गोलम है स्टैचू गोलम है। वैसे कैसे हमको कुछ जॉम्बी वॉम्बी नहीं दिख रहा यार यहाँ पे। हाँ नीचे आ रहा है, कल है भाई, अबे मुझतक और नीचे आ तो ही लगेगी उसको। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ एक टिप, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको सीखना है तो मैं मेरे से एक चीज़ सीखो कि अगर आपका दोस्त मल्टीप्लेयर खेल रहे हो आप और ऐसा कोई आयरन गोलम को मार रहे हैं आपका दोस्त, तो आप नीचे खड़े रहो और जैसे ही आयरन गोलम मरे वैसे ही उसका आयरन चुग लो और भाग जाओ भाई। ऐसा प्रो बनो यार, सबसे अच्छा भाई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला मैं हूँ पूरी दुनिया में शायद। छोड़ो ये सब, अभी हम लोग मिलते हैं आगे। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं वीडियो का एंड, ये था पार्ट वन हमारी बेस्ट डुओ गेम प्ले का। तो यार चलो अभी हम लोग करते हैं वीडियो का एंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इधर आ मुश्तक, इधर आ, अरे मेरे सामने आ, चलो मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। मारो भाई आग वाली तलवार, इसको लगेगी अच्छी खासी, लग लग। और गाइस बाय द वे इसका 7 अटैक डैमेज है। चलो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आगे की सीरीज के लिए इंतजार करना। ओए ओए नहीं, चलो बाय।